हेलो एवरीवन, आई एम मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त। स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू, क्योंकि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो 10,000 की फैमिली में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, ये सब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था अगर आप सभी लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो जो भी मेरे सपोर्टर हैं, आप सभी लोगों का बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ठीक है गाइज, तो उसके बाद गाइज हम आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा पॉलिटिक्स का। हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, एक बार फिर से कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच यार, आई कॉन्ट बिलीव दैट कि आई हैव कम्प्लीट माई 10K सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच गाइज। ओके, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे आपको पता ही होगा कि भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? तो देखिए, 26 नवंबर 1949 को ही संविधान अंतिम रूप से पारित किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 2000 1950 को ये संविधान लागू हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से पारित 26 नवंबर 1949 को ही कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट आपके पास में है, भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा हुआ है? तो यहाँ पे 22 भागों में बटा हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ओके, नेक्स्ट आपके पास में, भारत कब गणतंत्र बना था? तो यहाँ पे हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था। उस दिन के बाद में मतलब कि वोटिंग चालू हो गई थी, लोगों के मत के आधार पर ही सरकार बनाई जा रही थी। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, उस दिन से भारत गणतंत्र बन गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना को आत्मा की संधि दी जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को स्वीकार कर लिया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो ये है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार कर लिया गया था, जनगण मन को स्वीकार कर लिया गया था, और 26 जनवरी को पहली बार वहाँ पे उसे गाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार कर लिया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई हो सकती है? यानी कि भारत की नागरिकता को समाप्त किस प्रकार से किया जा सकता है? नागरिकता का परित्याग करने से भी किया जा सकता है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से भी, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से भी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, आप किसी भी तरीके से भारत की नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या है, यानी कि कितने मूल अधिकार भारत के पास हैं? संविधान के अनुसार भारत के नागरिकों के पास कितने मूलतः संविधान है, अधिकार हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा, 6 अधिकार आपके पास में अवेलेबल हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। पहले यह अधिकार था कि जो पिता की जो संपत्ति थी वो पुत्र को मिलेगी, लेकिन अब उसके बाद 44वें संशोधन में जो हुआ था उसके बाद संविधान को हटा दिया गया था कि अगर पिता देना चाहता है अपने पुत्र को अपनी संपत्ति तो ही उसे मिलेगी, अन्यथा वह कुछ भी कर सकता है अपनी संपत्ति के साथ, तो संपत्ति का उसे कोई अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों न्यायालय ही अधिकारों के संरक्षक कहा जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है कि संपत्ति का अधिकार है किस एक प्रकार का, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का है? तो ये है विविध अधिकार है एक, ठीक है, मूल अधिकार नहीं है, एक विविध अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षक किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया जाता है?
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के अनुसार ये प्रदान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार मूल अधिकार माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21A के अनुसार 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का देना अनिवार्य है और उसे कोई भी श्रम कार्य करवाना भी गैर कानूनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, 21A के अनुसार, आर्टिकल 21A। ओके, नेक्स्ट आपके पास में है कि लोक कल्याण राज्य की अवधारणा किससे में निहित है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे आधारित है लोक कल्याण राज्य की अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है, यानी कि अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 राज्य का किस कार्य को निर्देशित करता है। तो ये हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन को ये निर्देशित करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो मूल अधिक भारतीय संविधान में नहीं था, इनके मूल भारतीय संविधान में नहीं था। कौन सा मूल भारतीय संविधान में था? मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे पहले। ओके, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया था? तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रूस से लिए गए थे, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए थे अपने संविधान में शामिल करने के लिए, रूस से ये नहीं चुना गया था। ओके, नेक्स्ट है, संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मूल 11 कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 23 में हो जाएगा बी, 5 वर्ष होती है। राष्ट्रीय अपना पति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, कोई भी होगा, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास में है कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, इनकी बिना किसी अवरोध के कौन से राष्ट्रपति को चुना गया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी, इन्हें चुना गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में, राष्ट्रीय राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है कि भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यहाँ पे आपका राष्ट्रपति ही भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा पावर देश में राष्ट्रपति के पास ही होती है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के अंदर ही ये शक्तियाँ निहित होती हैं भारतीय संविधान के अनुसार, संघ की कार्यपालिका की जो सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति पे आवास होती हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ओके, तो 29 में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है, भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है? तो यहाँ पे आपका राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है, 30 में बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रधानमंत्री का कोई अन्य मंत्री अन्य सदन का सदस्य नहीं है तो उस पद पर रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कम से कम वह 6 महीने तक संसद का सदस्य होना चाहिए, तभी वह प्रधानमंत्री के साथ कार्य कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा 552 आपके पास हो जाएगा। और यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा, 1 मिनट, 33 में थोड़ा सा करेक्शन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 552, लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 250, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है और लोकसभा की 552 हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित
करता है। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारक कौन होता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन, इन सभी राज्यों का प्रशासन चलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैठक के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के ही अध्यक्ष होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पे बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पास में 41 में हो जाएगा ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा आंसर नंबर डी कि इनकी सदस्य के लिए 25 वर्ष या इससे अधिक आयु होना आवश्यक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं इन जिनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में बी हो जाएगा पुडुचेरी और दिल्ली, ठीक है, इन दो विधानसभाओं के जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, दो विधानसभा की सभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पांडुचेरी और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है। तो यहाँ पे आपके पास में जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी। यहाँ पे जो आपका राज्यसभा है उससे दो सदस्य होते हैं, और जो आपका सॉरी लोकसभा होता है उससे 12 सदस्य होते हैं। सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दो सदस्य होते हैं आपके लोकसभा से और 12 सदस्य राज्यसभा से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों की बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दो अधिवेशनों के लिए कम से कम 6 महीने का समय होना चाहिए। तो यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 46 तक, इससे आगे हम कल डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप सभी लोग दूसरों की भी मदद कर सकें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी। लव यू ऑल ऑफ यू।